ओके बच्चा लोग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक है और सब कुछ सही है आपके लिए। हम लोगों का पहला एग्ज़ाम, पहले मैं इंटर का बात करता हूँ, फिर मैं फाइनल पैनलिस्ट करूँगा। हम लोगों का इंटर में लॉ का सबसे पहला एग्ज़ाम लॉ का है, पेपर 5 पहला एग्जाम है। एंड यस, दैट एग्जाम मीन्स अ मोटिवेशन टूवर्ड्स योर अदर एग्जामिनेशंस। अगर वो एग्जामिनेशन अच्छा जाता है तो बाकी सब एग्जामिनेशंस थोड़ा सा मोटिवेटेड रहने से अच्छा जाता है, राइट? तो पहला पेपर लॉ का है, सिलेबस इज ह्यूज, ठीक है? मैं इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पढ़ना है। मैं टॉपिक्स तक बता दूंगा, आप बस उस टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत 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 अच्छा जाएगा, ठीक है? अभी एग्ज़ाम दे के आने के बाद ज़रूर वापस आना और ज़रूर बताना एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है? क्या ये वीडियो काम किया कि नहीं किया? और आप लोग तो सपोर्ट दिखाते ही नहीं हो, इतना मेहनत का मेरे को कोई रिवॉर्ड या फीडबैक्स नहीं मिलता, जहाँ पे आप एक थम भी या कुछ तो कमेंट में दिखाओ यार कि हाँ हम कनेक्टेड है सर, वी फील यू सर, वी आर विथ यू सर। कहाँ जाता है तुम लोग, मेरा टीम का आदमी लोग ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तुम मेरे को छोड़ दोगे? नीच लोग, इधर सुनो। बहुत ही भयंकर तरह से हम इसमें एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव पे और कैसे पढ़ना है। और इस बार मैंने एक तरीका अपनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे PDFs, सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, बिकॉज व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम ओवर फ्लडेड विद मैसेजेस और मैं एक वन टू वन कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी को क्या देना है किसको क्या देना है। बट येस, आई एम विथ यू और मैं इसको प्रोसेस करूँगा आपके साथ। एंड येस, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। ओके चलिए, सिलेबस का डिस्कशंस करते हैं, सिलेबस का भयंकर वे में डिस्कशंस करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ हमारे एग्जाम्स के लिए क्या करना है, ठीक है? देखिए, पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस एथिक्स का। पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस एथिक्स, ये एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत अनटच्ड पोर्शन है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने नहीं मांगते हैं, तो इस 15 मार्क्स के लिए ये आता है। एंड येस, इट इज़ अ लट्टू क्वेश्चन। लट्टू क्वेश्चन मतलब येस, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप लॉ में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट और आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है? ये उसी 10 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिख जाएगा और आप अच्छा से अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर मैं बात करता हूँ कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013। येस, अनदर बिग थिंग, 40 मार्क्स। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि कंपनीज एक्ट में उनको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को गो थ्रू करे और बेटर कैसे बने उस पर्टिकुलर चीज़ में। एंड वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़े इतना यूज़, क्योंकि अकेला कंपनीज एक्ट ही इतना बड़ा है कि उनको समझ नहीं आता कुछ। तो मैंने क्या किया है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने पूरा अच्छी तरह से कंपनी लॉ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसका सारा डिस्क्रिप्शन मैंने उस पर दिया है। आप प्लीज़ वो वीडियो भी फॉलो करें, यूट्यूब में ही मिलेगा आपको। डन। फिर मैं बात करता हूँ लेबर्स लॉ का, इंडस्ट्रियल लॉ, जो अपना 15 मार्क्स का है। देखिए, आपके पेपर के लिए इंडस्ट्रियल लॉज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मतलब इसमें देखिए, कोड ऑन वेजेस एक्ट है। कोड ऑन वेजेस एक्ट यूट्यूब में मेरे 2 वीडियोस पब्लिक किए हुए हैं जिसमें मैंने पूरा भयंकर डिस्कशन किया है कोड ऑन वेजेस पे, ज़रूर से देखिएगा, आपको उससे हेल्प होगा उसको पढ़ने के लिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड ESI। इसका मैं 1 आवर का रिविजनरी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, भयंकर वे में डिस्कस्ड है, ठीक है? ओके, ESIs भी मतलब, सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोड ऑन वेजेस अपलोडेड है, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड ESI अपलोडेड है, ठीक है? इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप इस लेबर लॉ को कंप्लीट कर लेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि मैंने जिस वे में इसको एनालिसिस किया है वही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप घबराइएगा मत, आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाएगा, इसका गारंटी मेरा है,
आप बस उसको पढ़ेंगे, डन है। देखिए इसमें मैं कुछ कट टू पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो मैंने जिस वे में उसको पढ़ाया है वो ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट एंड अप है। मतलब अगर आप टोटल वीडियोस देखेंगे मेरा लेबर लॉ का, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वीडियो 6 घंटा का है, और अगर 6 घंटा में मैं आपके 5 टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करवाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि येस आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, और जिसमें आपको बेटर फील होगा और आप अच्छा पढ़ एग्जाम दे पाएंगे, राइट। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आता है, एक सेकंड बेटा, ओके बच्चा लोग, अब देखिए लेबर लॉ देखिए छोटा है, ठीक है, उसमें मैं आपको क्या बोलूँ कि आप कट टू कट करो, बट कंपनीज एक्ट आप देखोगे मैंने बहुत आपको शॉर्टन अप कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ कुछ इस प्रकार के इस टॉपिक्स पे, ठीक है, इस टॉपिक्स पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। इसके अंदर ना जो हमको तकलीफ देगा वो जो एक्ट है वो हो सकता है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपको हो सकता है थोड़ा तकलीफ दे कि हाँ मेरे को पढ़ना पड़ेगा इसमें वो ऐसा वैसा इसमें कुछ थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ सेक्शन 138 आप पढ़ेंगे बाउंसिंग ऑफ चेक के बारे में, हाँ इसके अंदर आप थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वाले टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप और LLP में, LLP एक्ट जो है उसको, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो LLP इन डेप्थ है, मतलब YouTube में ऑलरेडी वो पब्लिक है जिसमें मैंने LLP को पूरा भयंकर वे में डिस्कशन किया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने उस हिसाब से डिस्कस किया है। पार्टनरशिप में आप फोकस करेंगे माइनर वाले चीज़ में, ठीक है, माइनर वाले चीज़ में। और मैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टुमोरो यानी कि कल मैं आपको ये चैप्टर का और ये चैप्टर का एक मिनी मैराथन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मिनी मैराथन मतलब 1 आवर मैक्सिमम, 30 मिनट्स 30 मिनट्स, ठीक है, आपका ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा, टेंशन नको, ठीक है। अब बचा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो सच में बहुत हेडेक है यार, बहुत बड़ा है ये दोनों एक्ट, ठीक है। तो क्या करना है, जब मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसका दो हिस्सा होता है, एक होता है जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, और एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होता है जनरल प्रिंसिपल और एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। अब मैं बात करता हूं जनरल प्रिंसिपल्स का, जनरल प्रिंसिपल में आप क्या पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसमें 75 सेक्शन है, आपको पूरा पढ़ना नहीं है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे एग्जाम्स में पागल लोग की तरह, कैसे आप इतना पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है, आपको स्टिक रहना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए जनरल प्रिंसिपल्स में जो आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना है, जिसको आपको थोड़ा सा हेल्प करना है, मतलब बड़े क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में जो आपका हेल्प कर सकता है, वो है एक्सेप्शन टू नो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो हेल्प कर सकता है आपको, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हो सकता है पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टाइम मतलब लास्ट एग्जाम में ये आ चुका था, तो थोड़ा चांसेस इस क्वेश्चन का कम रहता है पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, बट यस ये टॉपिक है, हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो रिपीट ना करे, चांसेस रहता है कि रिपीट नहीं होता 90%, बट 10% चांसेस रहता है कि रिपीट हो, ठीक है। फिर एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम क्या बताइए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम क्या बताइए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डन है। फिर एक टॉपिक है जिसके अंदर आप इफेक्ट ऑफ कोवर्जन एंड फ्रॉड के बारे में पढ़ते हो कि क्या होता है कोवर्जन और फ्रॉड होने से, ठीक है। फिर एक टॉपिक है जो बेसिकली डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड हाँ
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेज रिंग, बस आप यही पढ़ के जाएंगे, ठीक है, बस आप यही पढ़ के जाएंगे, और इसमें से आप कोई डिटेल डिस्कशन बेकार का करके नहीं जाएंगे, राइट? आप इसमें से और कोई डिटेल डिस्कशन आप बेकार का करके नहीं जाएंगे, ठीक है? अच्छा, जब मैं बात करता हूँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ना अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। क्यों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है? बिकॉज इसके अंदर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन एज सच दिखा नहीं पेपर में, राइट? तो इस बार के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है उस एनालिसिस पे, ठीक है? ऐसे आप पढ़ सब रहे हो, बट फिर भी इसके अंदर आप ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली पढ़िए, ठीक है, डिफरेंस पढ़िए, आप डिफरेंस जरूर पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। फिर आप कोशिश करिए कि आप इसमें से इंडेमनिटी एंड गारंटी का भी डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है? और एक टॉपिक आप पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट श्योरिटी। राइट अगेंस्ट श्योरिटीज नहीं है, गलत लिख रहा हूं, राइट ऑफ अ श्योरिटी, ठीक है, राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। ठीक है, राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। देखिए, ये जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन लिखा है, और एक टॉपिक एजेंसी, एजेंसी मैंने बहुत स्मार्ट वे में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया, आप प्लीज़ उसमें ही स्टिक रहिएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो टॉपिक है, जैसे कि एजेंसी बहुत लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, जो एज पर CMA के लिए, CMA के हित के तरह रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में, ठीक है? मेरा ट्राई है कि आप स्मार्टली पढ़ के वो स्कोर कर पाए, ठीक है? सो आप पढ़ेंगे जो मैं पूरा पढ़ाया हूँ, बट ये सब क्वेश्चंस आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि आप स्कोर कर पाए, ठीक है? ये चीज़ आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में, ठीक है? उसी तरह मैं सेल्स ऑफ गुड्स का बात करता हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग इसको चार टुकड़ा में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंस से लेके जाएंगे, जिसके अंदर आता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। आप प्लीज़ फोकस करिएगा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर दो पार्ट में डिवाइड होता है, अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स में तीन हिस्सा है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल, ठीक है? तो इस तीनों को अच्छा से पढ़िएगा कि राइट ऑफ लियन कब एक्सरसाइज करते हैं। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करते हैं जब हम लोग, लियन का मतलब होता है गुड्स को हड़पना, मतलब रिटेन करना। कब एक्सरसाइज करते हैं आप बताइए? आप लियन एक्सरसाइज करते हैं नंबर वन जब, जब बेटा जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया या बायर रिफ्यूज़ कर दिया पे करने के लिए, बायर इज इंसॉल्वेंट, बायर रिफ्यूज टू पे, या बायर क्रेडिट टर्म हैज़ बिन एक्सपायर्ड, देन राइट सेलर अनपेड हो जाता है और उसके पास राइट आ जाता है लियन करने का, यानी कि रिटेन करने का गुड्स। लेकिन वो गुड्स को रिटेन कब कर सकता है? जब वो पोजिशन में हो। ऐसा आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और रीसेल के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कंडीशन एंड वारंटीज़ का टॉपिक अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? कंडीशन एंड वारंटी का टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा लोग? कंडीशन एंड वारंटी पे फोकस करिएगा। अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट टू सेल में फोकस करिएगा, ठीक है? और दो टॉपिक है जिसका आपको एक्सेप्शन पढ़ना है, ठीक है? एक्सेप्शन नंबर वन जो आपको पढ़ना पड़ सकता है, दैट इज सेल बाय नॉन ओनर और केवीएट एम्प्टर।
ये टॉपिक्स का आप लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे, डन है? ओके, जैसे ही आप ये कवर करेंगे, अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इसका आप सिर्फ और सिर्फ मेरी मिनी मैराथन में जो जैसे मैं बोला हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये करते ही आप आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, 70+ आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, होप सो आप बहुत अच्छा से एग्ज़ाम्स दें और आप बवाल वाला स्कोर करें. थैंक यू सो मच, आई विश अ वेरी गुड लक फॉर यू पीपल, लव यू ऑलवेज, टेक केयर, सी यू.